बालिका वधू के नए सीजन के आने की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि शो के मेकर्स इसके नए सीजन पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये शो अपने नए सीजन के साथ टीवी पर लौट कर आएगा। लेकिन अब तकरीबन 13 साल बाद ये शो एक बार फिर से लौट कर आ रहा है, तो इसी के साथ चार ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिन पर लोगों की निगाहें टिक चुकी हैं। इन चार बातों के जवाब जानने के लिए लोगों में काफी क्यूरियोसिटी भी देखी जा रही है। कौन सी हैं वो चार बातें, आपको भी बताते हैं इस वीडियो में। पहली बात, क्या पुरानी आनंदी यानी अविका गौर की होगी वापसी? जी, बालिका वधू में एक्ट्रेस अविका गौर ने नन्ही आनंदी का किरदार निभाकर घर घर में अलग पहचान बना ली थी। हालांकि शो में यंग आनंदी का किरदार एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी और तोरल राजपुत्रा ने निभाया था, लेकिन अविका गौर हमेशा से ही इस शो की पहली आनंदी ही कही जाती हैं। अब वो काफी जवां हो चुकी हैं और टीवी पर उनकी वापसी की भी तगड़ी डिमांड है। ऐसे में अविका इस शो में वापस आएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। हालांकि हाल ही में जब अविका से शो में वापसी को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने शो का हिस्सा बनने पर काफी एक्साइटमेंट जाहिर की थी। ऐसे में अविका के इस शो में वापसी के काफी चांसेस बन रहे हैं। दूसरी बात, पुराने जगिया को मिलेगा नया रोल? वेल, देखा जाए तो बालिका वधू शो में नन्हे जगिया के रोल में अविनाश मुखर्जी और बड़े जगिया के रोल में एक्टर शशांक व्यास दोनों को ही काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। दोनों ही अपने दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छा गए थे। लेकिन शो में किस जगिया को मौका दिया जाएगा? क्या शशांक व्यास एक बार फिर से इस शो का हिस्सा बनेंगे या फिर अविनाश मुखर्जी? वेल, ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहा है। लेकिन शो में कौन सा जगिया नजर आएगा और किस रोल में, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। तीसरी बात, बदले वक्त में क्या बदल जाएगी बालिका वधू की कहानी? वेल, बालिका वधू के पिछले सीजन की कहानी राजस्थान के बाल विवाह पर आधारित थी। तकरीबन 13 साल पहले ऑडियंस इस कहानी को पहले ही देख चुकी है, लेकिन अब जमाना मॉडर्न हो चुका है। वक्त के साथ समाज में कई बदलाव आ चुके हैं। ऐसे में क्या कहानी भी मॉडर्न रूप लेगी और कुछ नई ही स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी शो में? क्योंकि मेकर्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार फिर से वो ऑडियंस के सामने बाल विवाह का ही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तो शो का लंबे वक्त तक टिक पाना काफी मुश्किल है। इसलिए ये बात तो पक्की है कि बदले वक्त के साथ शो की कहानी भी काफी नई देखने को मिलने वाली है। और चौथी बात, दादिसा पर छाई मुश्किलें कैसे आएंगी वापस? बालिका वधू शो से कई किरदार काफी पॉपुलर रहे। आनंदी जगिया के साथ साथ शो में एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी ने कल्याणी देवी दादिसा का किरदार निभाकर लोगों के दिल पर राज किया था। कड़क दादिसा इस शो की जान की तरह थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही सुरेखा जी काफी मुश्किलों का सामना भी कर रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर सुरेखा जी की सेहत अब ठीक नहीं रहती। कुछ महीने पहले ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था, जिसके बाद कई दिनों तक उनका अस्पताल में इलाज चला। वही खबरें ये भी सामने आई थी कि वो आर्थिक तंगी का भी सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि सालों बाद भी उनकी एक्टिंग में बिल्कुल फर्क नहीं आया। फिल्म बधाई हो में उनके किरदार को भी काफी पसंद किया गया था, लेकिन जिस तरह से वो अपनी खराब तबीयत से जूझ रही हैं, ऐसे में ये भी सवाल बन चुका है कि वो शो में कैसे वापसी करेंगी। खबरें हैं कि मेकर शो की कहानी और स्टार कास्ट पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि मेकर्स इनमें से किस किस स्टार को शो में वापस लेकर आएंगे और इस बार कहानी कैसी होगी।